नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है दिल को दिल से राह होती है। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर्स और दवाइयां नहीं कर पाते, कई बार वो काम भावना से, भाव से और प्यार से वो सॉल्व हो जाता है। करण एक 6-7 साल का बच्चा है जिसकी माँ का दूसरा बेबी होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है। और रोज़ रात को करण अपनी माँ के साथ लेटकर उनके पेट पर हाथ लगाकर सहलाता था और अपने आने वाले भाई या बहन को उससे बातें करता था और उसको अपनी तरफ से प्यार देता था। करण के पास एक छोटी सी बाबा डॉल थी, एक खिलौना था जिससे गायत्री मंत्र की आवाज़ आती थी। तो वो हर रोज़ रात को उस डॉल को अपनी माँ के पेट के पास रख के और कहता था, बेबी गायत्री मंत्र सुनाओ, तो और वो उसको गायत्री मंत्र सुनाता था। ये एक रूटीन पूरे 9 महीने तक ऐसे चलती रही। सुंदर सी एक नन्ही सी कन्या को वहाँ पे जन्म मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा विधि का विधान होता है कि वो बेबी की हालत नाजुक सी बताई जाती है और उसको आईसीयू के अंदर उसको भर्ती करा दिया जाता है। माँ बाप भी परेशान हैं और ऐसे 3-4 दिन बीत जाते हैं। छोटी बेबी आईसीयू में थी और उसकी माँ को रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं बचेगी। और करण रोज़ अपनी माँ को कहता था कि मम्मा मुझे छोटी बेबी को देखना है, लेकिन आईसीयू में कोई बच्चे को जाने नहीं देता था। तो उस दिन उसकी माँ ने सोचा कि ये छोटी बच्ची तो नहीं बचेगी, मैं एक बार तो करण को अपनी छोटी बहन से मिला दूं, क्योंकि बाद में शायद वो नहीं मिल पाएगा। तो उसकी माँ ने करण का हाथ पकड़ा और आईसीयू के दरवाजे पर वो ज़बरदस्ती अंदर घुस गई। गार्ड ने उसको रोका, लेकिन उसने सोचा कि आज तो जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार तो मुझे करण को अपने छोटे बेबी से मिलाना ही है। करण वहाँ पे जाकर देखता है वो बेबी जो है ऐसे पड़ी हुई है जैसे बिल्कुल लाइफलेस सा बेबी हो। अब वो जाकर वो बेबी को उसको सहलाता है, उससे बात करता है और उसको कहता है कि आज तुमको वही बाबा वाली गायत्री मंत्र सुनाऊं। और वो प्यार करते करते उसने जैसे ही बेबी को उसके पास अपनी बाबा डॉल को रखा, जैसे ही वो उसने सुना और ऐसा लगा कि बेबी ने कुछ टांग हिलाई, बेबी ने कुछ आंख झपकी और वो नर्स और डॉक्टर भी जो पहले गुस्से में थे वो भी हैरान हुए और उन्होंने बच्चे को एनकरेज किया कि तुम ये बात करते रहो, उसका सिर सहलाते रहो। और ऐसा लगा कि जैसे वापस जान उस बच्चे में आनी शुरू हो गई और उसने अपनी आंखें भी खोल ली हैं। ये एक चमत्कार जैसा जब हुआ तो डॉक्टर्स और नर्सेज भी हैरान हो गए कि जो काम डॉक्टर्स और मेडिसिंस नहीं कर पाई वो इस छोटे से बच्चे के गायत्री मंत्र वाली डॉल लेके आने और बच्चे को सहलाने से हो गया। तो डॉक्टर्स भी करण को लिटिल थेरेपिस्ट ऐसे करके बुलाने लग गए और आईसीयू के रूल्स भी चेंज हो गए। हर रोज़ करण को अंदर आने की इजाज़त होती थी, वो आकर अपनी छोटी सी बहन को गायत्री मंत्र सुनाता था और उसको प्यार करता था और धीरे धीरे करके वो छोटी बेबी की हालत सुधरने लगी। और 2 हफ्ते की जिस दिन वो हो गई उस दिन उन लोगों को घर जाने की छुट्टी मिल गई और बेबी को वो लेकर घर चले गए। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो एक प्रेग्नेंट लड़की होती है उसकी अपने अनबॉर्न चाइल्ड के प्रति कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। जो भी हम पूरा दिन करते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो बच्चा पेट में होता है वो सब कुछ सुनता भी है, ऑब्जर्व भी करता है। तो एक लड़की की ड्यूटी है कि जब
वो प्रेग्नेंट है तो दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई अच्छी चीज़ देखे, चाहे वो कोई मूवी ही हो, कोई अच्छी चीज़ पढ़े और बच्चे के साथ बात करे और बच्चे को अपना प्यार दे। थोड़ा सा टाइम हर प्रेग्नेंट लड़की को अपने बच्चे के लिए निकालना चाहिए। ये बहुत आगे तक ये बात जाती है, बच्चे को बहुत कुछ गर्भ में ही सीखने को मिल जाता है। इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह को कैसे भेदना है उसकी जानकारी सारी उसने उसके अंदर ग्रहण करी। माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि जो अनबॉर्न बेबी है उसके प्रति भी उसको अच्छी शिक्षाएं, उसको अच्छी बातें, उसको प्यार, बच्चे को महसूस हो कि मैं एक ऐसी जन्नत में आने वाला हूँ। सनरेज की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कहानियाँ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।